दोस्तों, प्रियंका से हुई अर्चना की लड़ाई तो अर्चना ने शालिन के साथ करी ये पूरी हरकत। जी हाँ, वो अर्चना जो कदम कदम पर प्रियंका का साथ देती थी, वो अर्चना जो हमेशा ही प्रियंका के साथ खड़ी रहती थी और दोनों मिलकर घर में बवाल मचा रहे थे, घर वालों का जीना मुश्किल कर रहे थे। आखिर उस अर्चना ने सिर्फ एक लड़ाई होने के बाद क्यों कर दिया ऐसा, शालिन के साथ मिलकर बोली क्या बात, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल दोस्तों, अर्चना के रूम में निमृत और साथ ही साथ टीना आ जाती है। टीना तो फुल ऑन चापलूसी करती है अर्चना की, उसकी बेडशीट को बनाती है, उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आती है, उसकी तारीफें करती है। और साथ ही साथ ऐसे में जब शालिन बोलता है तुम करोगी ही अर्चना से बात, तुम उसकी सखी सहेली जो हो, तब टीना ये कहती है मैं कहाँ उसकी सखी सहेली, तो प्रियंका है। तभी अर्चना मुंह खोलती है और कहती है ना, मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, मेरा तो कभी कोई दोस्त रहा ही नहीं, इस घर में दोस्ती के लायक कोई नहीं है। वेल, जिसके बाद टीना ने ये कह दिया लायक नहीं है, मतलब प्रियंका दोस्ती के लायक नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तभी अर्चना कहती है कभी नहीं थी, वो तो हमेशा से ही बुरी और मतलबी रही। वेल, तभी शालिन कहते हैं हाँ, अर्चना ने मुझे काफी कुछ बताया प्रियंका के बारे में, और जो कुछ बताया होता है अर्चना ने शालिन को, वो सब कुछ शालिन निमृत और टीना को भी बता देते हैं। वेल दोस्तों, एक ही लड़ाई के बाद इस तरह से सलूक, ये जो तरीका अपनाया है अर्चना ने अपनी भड़ास, अपने गुस्से को निकालने का, क्या वो सही था? वेल दोस्तों, बिग बॉस की लाइव फीड में क्या बताया अर्चना ने शालिन को और शालिन ने टीना और निमृत को, ये पूरे तरीके से म्यूट कर दिया गया ताकि एपिसोड में इस मसाले को पूरे तरीके से परोसा जा सके। वेल, आप क्या कहेंगे अर्चना और प्रियंका की लड़ाई पर, अर्चना के इस बदले हुए बिहेवियर पर? हमें कॉमेंट करके अपने व्यूज आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना